उनके साथ पड़ता है, तब जाके वो अपनी सरकार को कुछ दे पाता है, उसकी गवर्नमेंट कुछ दे पाता है, उसके माता पिता को कुछ दे सकते, समाज को कुछ दे पाता है। और हम देखो, मैं अगर यहाँ पे किसी को पूछूंगा कि भैया आप खड़े हो जाओ तो आपका घोल क्या है, आपका घोल कुछ सही किया आपने जिंदगी में, खाली बोले तो आपको आप ही बोला, आपने क्या नक्की किया कुछ बनने का, ये प्रॉब्लम हमारे इंडिया में है। इसको कुछ वो नहीं है, इसके लिए बैठ गया ये चीज। आप लड़की मत किसी का बोले कोई बोल सकता है फ्रीली, क्योंकि डर बाहर निकालोगे तब डर डर के सामने सीख पाओगे। किसी का कोई बोले क्या बोले बेटा बोल, इसको मुझे बोल जब आप बोल के साथ पढ़ाई करते हो तो आप बोल सब पहुंच सकते हो। जैसे आप क्रिकेट टीम में गए, खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, एक सिंपल क्रिकेट आप खेल रहे हो, अब क्रिकेट खेलने का आपको जरूर आपको विकेट लेना है, तो बैटिंग करनी है, बैटिंग में सिक्सर मारे, पहला बॉल किया जाने के बाद मैं तो फटाफट बैटिंग मार दू, सचिन तेंदुलकर आज बन जाओ, धोनी आज बन जाओ, ये आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, होता है कि नहीं होता है? तो खेलने के टाइम पे तो पढ़ाई के टाइम में क्यों नहीं हुई, तो पढ़ाई के साथ टाइम साथ हुई हुई कि नहीं हुई। तो कहने का मतलब पढ़ाई के साथ भी कुछ बहुत किया करो, नहीं क्या एक्टिविटी बाहर की दुनिया की मतलब उसकी भी किया करो, फिर पढ़ाई भी आपको आगे ले जाने वाली, समझे मेरी बात को? तो पढ़ाई को आप नॉर्मली मत लो, ये बहुत आगे जाने वाली है और हर क्षेत्र में आगे आने वाली पढ़ाई। उसके बाद में जो लॉजिकल होता है, जैसे कोई साइकोलॉजिकल जैसे होता है कि साइकोलॉजी में आपको कुछ बनना है, कुछ अलग जैसे सर ने बोला कि आपको क्रिकेटर बनना है, धोनी बनना है, फलाना बनना है, ढिकना बनना है, और वो बनना है, वो साइकोलॉजी पूरा केस है, क्योंकि वहां तक इंसान को पहुंचने के लिए कल्पना ही चाहिए, इतने इतने लोग हैं कि जो कल्पना करते कि मुझे ये बनना है, दुनिया में वो दुनिया में अलग से खोया, जैसे अपने पढ़ते हैं ना तो पढ़ते पढ़ते कुछ सोचते रहते हैं अपने, यार मैं ये बनने वाली हूँ, बस कुछ ये करने वाली हूँ, मेरे को जो कुछ करना है मुझे कुछ करना है, तो कल्पना जो खोए होते हैं ना तो वो बनते हैं, वो लोग जब बनते हैं ना तो वो लोगों को नौकरी लगते हैं जो पढ़ रहे, पढ़ पढ़ के आईपीएस बने, आईपीएस तो सही वो तो बहुत हाई लेवल का है, लेकिन जो एमबीए बने, सीए बने, अकाउंटेंट बने, उन लोगों को वो साइकोलॉजी वाले नौकरी पर रखते, साइकोलॉजी जो होते उनको नौकरी पर रखते। तो साइकोलॉजी बहुत बड़ा विषय है, कि जैसे मैंने सोच लिया कि मैं बहुत बड़ी स्कूल बनाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं हूं, बहुत से लोग ऐसे है जो पढ़े नहीं है, इसको उन्होंने बात की है कि जी टीवी को देखता है, जी टीवी देखते हो, जी टीवी चैनल कितनी लंबी है, उसकी लॉबी कितनी बड़ी है, तो जी टीवी की लॉबी इतनी बड़ी है तब जाके जी टीवी आज की तारीख में 30,000 करोड़ का कन्वर्ट देते, और वो इंसान 17 रुपये जेब में लेके निकला था, कितने रुपए लेके 17 रुपए जेब में लेके निकला था वो इंसान, 17 रुपए में 30,000 करोड़ का टर्नओवर, क्या पॉसिबल है? उसने पॉसिबल करके दिखाया, सुभाष चंद्र बोस जिसका नाम है, कभी टीवी देखना और सुभाष चंद्र बोस यूट्यूब पे खाली लिखना तो सुभाष चंद्र बोस की कोई शो आ जाएगी आपके सामने। तो साइकोलॉजी, उसको कुछ करना था, उसको कुछ अचीव करना था, जबकि आपके ब्रेन में कुछ साइकोलॉजी होगी, कुछ बनने की, तब जाके अचीव करोगे, या तो आपके मन में अगर आईपीएस या कुछ उस लेवल का पढ़ने के बाद में भी एमबीए एमबीए कुछ करना हो तो आप गोल तक पहुंचना चाहते हो तो आप पढ़ाई में परसेंटेज ना पाओगे, बाकी पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं, कोई बता भी पास हो, पढ़ के पास होके नंबर ला सकता है, तो आप भले बनना चाहते हो कि इंसान बनना रहते हो, क्योंकि हमारा जो जीवन है हमको भगवान ने जो भेंट की है इसका महत्व आपको पता नहीं है शायद, हमें पता चल गया इसलिए बाहर निकले सिखाने के लिए कि ये जो जीवन है ये अमूल्य वरदान है, जो कुत्ते बिल्लियों का जीवन नहीं है हमारा, बहुत इंसान का जो हमको भगवान ने बुद्धि दी, क्या दिए? बुद्धि दी, समझने की शक्ति दी, तो इसका हमें सही उपयोग करना है। तो किस तरह करेंगे कि हमारा ब्रेन हम बराबर डेवलप करेंगे, अब इससे पहले थोड़ा आगे को बोलने जाओ कि किसी को धक्का मार दो सारे, ताकि सुबह हो गई धक्का मारो इससे क्या होता है कि हम लोग अलर्ट रहते हैं, क्या रहते हैं, क्योंकि ब्रेन का सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी से, कहां से? ब्रेन का सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से, अगर हमारी बॉडी आलसी हो गई ना तो सब बाउंसर जाएगा, कितने लोग मेरी बात को समझे यहां तक, जो नहीं समझे ना टपरी मारा बाजुआ बाजुआ टपरी मार सकते, नहीं समझे हाथ अच्छा किया पता आज कौन सी दुनिया में ठीक है, इतना मस्त लेक्चर दे रहे थे तभी। तो कहने का मतलब कि जब आप अपनी बॉडी एनर्जी वाली होती है तब आप वो सीख सकते, उसके लिए क्या करना चाहिए, बॉडी को एनर्जी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने बोला डांस करना चाहिए, रोज घर पे जाके डांस करना चाहिए, सिंपल लॉजिक में जो दाड़िया आता है, आठ दिन दाड़िया चलता है, 8-9 दिन दाड़िया चलता है, 9 दिन है, तो 9 में कभी सुना है कि कोई बीमार हुआ, किसी को फीवर आया, किसी को खांसी हुई, सर्दी हुई, हुआ कुछ, क्योंकि
अपने एनर्जी लेवल उस वक्त पर हाई लेवल पे होता है और हमारी बॉडी का जो फ्लो है, ब्रेन तक जाने का जो फ्लो है वो पूरा आगे जाता है। वो क्या करता है, हमारे जो न्यूरल सिस्टम बनाते रहता है कंटिन्यू, तो कभी इंसान बीमार नहीं होता। जबकि जैसे नॉर्मल खत्म हो गई और पढ़ाई चालू की, वापिस आगे डिप्रेशन तो वो जो सोच होती है ना पढ़ाई के बारे में, तो पढ़ने के लिए डांस करना बहुत जरूरी है। ये साइंटिफिक रीजन है, डांस करने से हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी की पूरी लूज हो जाती है, सारे चेता तंतु होते हैं, कोर्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, सारे लूज हो जाते हैं और पूरी मानसिकता हो जाती है कि लोग पढ़े। और कभी कोशिश कर देना घर में, घर में पागल डांस करते होंगे, मैं तो करता हूँ, शर्माते नहीं, मेरी बीबी, मेरी तीन लड़कियां सबको लेकर डांस करता हूँ गाने पे, क्योंकि उससे मुझे पता है कि मेरी लड़कियां को जो पढ़ने की एकाग्रता बढ़ जाती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि पहले तो आपको मैं शुरू करा दिया बराबर, अभी कुछ प्राणायाम बताऊंगा आपको, प्राणायाम जो अपने शरीर में काम है, जो पढ़ाई के लिए काम आते हैं, तो उसके लिए पहले तो आप श्वास डीप लो, पहले श्वास डीप लो, फिर श्वास छोड़ दो, बस श्वास वापिस लो, श्वास छोड़ दो, श्वास वापिस लो, श्वास छोड़ दो। अब इसको आंख बंद करके करो, इसको आंख बंद करके करो, आंख बंद कर दीजिए और जब मैं बोलूं कट्टर बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं बोलूंगा उसको आपको महसूस करना है और इसमें कोई भी आवाज ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं बोला तो ऑटोमेटिक आवाज बंद हो जाएगी, लेकिन जो भी मैं बोलूं उसको महसूस करना है, फील करना है। आप कौन सी दुनिया में जा रहे हो आपको पता नहीं अभी, लेकिन जब मैं आवाज बंद हो जाऊ, अभी आंखें बंद, इस तरह आंखें नहीं बनेगी, इस पर जबरदस्ती बोलते हैं, इस पर ध्यान नहीं लगता, इसलिए ध्यान नहीं लगता, इस तरह ही बनेगी, इस तरह नॉर्मली सौ अपनी आंखों, अपनी ये जो होती है आंखें की जो पूरी होती है ना बोल, उसके नीचे कोई पापड़ को ला के देगी, नॉर्मली नॉर्मल आंखें बंद करते हैं। अब डीप ब्रीथिंग करनी है, आज बोल आवाज नहीं, किसी को टच भी नहीं होना चाहिए, डीप ब्रीथिंग करो, एक सांस डीप लो, आंखें बंद करो, क्योंकि जो बोलूंगा तभी मैसेज करोगे जब आपकी आंखें बंद होगी, आगे खुली होगी तो आप बोलोगे मजा नहीं आगे, तो मजा नहीं है सबको, तो आगे बंद रखो, डीप ब्रीथिंग करो, एक डीप श्वास लो, एकदम श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो। धीरे धीरे अपनी आंखों अपनी जो है ना सांस, इसको नॉर्मल करना है और उसके सांसों पे ध्यान दे रहे हैं कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, 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 श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। अब धीरे धीरे अपनी बचपन की यादें मौड़ दो, यादें याद करो, बचपन में आप कैसे थे, जैसे आप 3-4 साल के जब बूढ़े होंगे, अपने स्कूल में जाने से पहले जैसे अपनी माँ अपने बच्चे को जिस तरह हाथ में लेती है, गोदी में बुलाती है, अपनी जैसारी नजरी जाते पूरी करती है, वो पल को याद करो, वो पल को याद करते करते आ गया। अब आपके पिताजी वो आपको बाहर से आ रहे, काम से आ रहे, थके पके, फिर भी आपको देख के बहुत खुशी महसूस करते कि मेरा बच्चा करके आपको गोद में उठा लिया, आपको गोद में उठा के सीधा उसने ऊपर उठा लिया और बहुत खुशी महसूस की। आप वो पल को महसूस करो कि जो आपके पिताजी ने आपको दिया, आपकी मम्मी ने आपको दिया, जरा से भी बीमार हुए कभी तो आपकी मम्मी देखो आपके लिए कितनी रात भर सोती है, आपके लिए चिंता करती है कि मेरा बेटा का अच्छा हो, आपको डॉक्टर के दवाखाने भी ले जाती है और बोलती है मेरे बेटे को जल्दी अच्छा कर दो, ये करने के बाद उनको घर में लेकर कितनी ट्रीटमेंट कर दिया आपकी, कितनी ट्रीटमेंट कर दिया, कितनी केयर लेती, वो पल को याद करो। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हो, आप स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में जाने का वक्त हो गया, आप रड़ बोल रहे हो मुझे स्कूल नहीं जाने, फिर भी माँ बोलती है पापा बोलते बेटा जाना पड़ेगा, वहां जाकर तुझे नए नए दोस्त मिलेंगे, तो वहां जा तो फिर पता चलेगा। तो आप धीरे धीरे रोल भी रोते स्कूल पे आए हो, आपको रोने का पूरा शक्ल है, आप खुद मैसेज में रो रहा हूँ, फिर भी आप बैठ रहे हो, सर आपको और सपोर्ट कर रहे हैं, जो सर आपको सिखा रहे हो वो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रोने के लिए भी शांत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, सर लोगों का कि टीचर लोगों का, कि आपको ध्यान दे रहे हैं कि बेटा बैठ में तुझे नहीं रोने दूंगी, तू ऐसा करते उनको खेलने के लिए कुछ चीजें दे रहे हो लोग, इस सब चीज को आप महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे आप महसूस कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नए दोस्त मिल रहे हैं जिंदगी के अंदर, जो आपकी आपकी जो चीज होती है कि मैं खाना लेके आया हूँ, तुम क्या खाना लेके आए, ये जो चीज आपकी खुशी आपकी जो कॉमेंट्स होती है दूसरे की वो मैसेज करो,
तो मैसेज आप देखो तो बहुत खुशी होगी कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, वो भी आप अपने मन के अंदर ही सोचो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, लड़कियों को अपने फ्रेंड के बारे में सोचो कि मेरी बेस्ट गर्लफ्रेंड कौन सी है, वो फील करो, चाहे उनको याद करो, आप मैसेज करो कि मेरी कौन सी बेस्ट फ्रेंड अच्छी है, फिर घर पे जा, घर पे गए, घर पे कैसा माहौल है, जैसे मम्मी ने खाना बनाया नहीं बनाया, मम्मी मैंने खाना, तुमने खाना नहीं बनाया तो मम्मी से लड़ रहे हो खाने के बारे में, वो पल को याद करो, धीरे 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 आप इधर तक पहुंचो, पढ़ाई तक आप पहुंचे, पढ़ते पढ़ते आप आठवीं दसवीं या नौवीं तक पहुंच गए, तो किस तरह पहुंचे, आपने कौन सी चीजें जो आपके अंदर थी कि वो याद की थी कि या नहीं की थी, आपको सब कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, अभी आपका वो स्टेज आ गया है लाइफ के अंदर जब आपको फ्यूचर बनाना है, आप जो आपके माँ बाप जो सोचते हैं, आपके सर जो सोचते हैं, आपके टीचर जो सोचते हैं, आपके दोस्त जो सोचते हैं, आपके समाज जो सोचते हैं, उसके लिए कुछ करना है आपको, या अपने आपके लिए भी कुछ करना है, ये सोचना है आपने कि क्या मेरी जिंदगी मैं सही तरीके से जी सकता हूँ, क्या मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि मैं जैसे तैसे मेरा दिन पसंद करूँ, क्या मुझे किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, मैं अपनी लाइफ का हीरो कौन हूँ, पिक्चर में जाके ढूंढूं कौन सा हीरो है, तो अपने आप को हीरो या अपने आप को हीरोइन लाश जा सके रश्मि बोलते झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, या अपने आप को शिवाजी राव समझते समझते आप ये चीज अभी धीरे धीरे रोक सकते हो कि आप बेटर बन सकते हो, बहुत कुछ अच्छा बन सकते हो, अपने आप में आप झाना भी करनी है कि मैं कर सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, धीरे 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 अपने सांसों पे ध्यान देते हो, और धीरे धीरे मैं बोलो ना 10 मिनट का जाऊंगा तब तक वो अपनी आंखें खोल लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दोनों हाथों को ऊपर ले जाना, दोनों आंखों मसलना, गर्मी उत्पन्न होगी, गर्मी को आंखों में लगाना, आंखें डायरेक्ट बंद कर दो, कितने लोग अतीत में गए क्योंकि जो अतीत में नहीं गया होगा ना वो प्रेजेंट में सोया होगा, उसने फील किया ही होगा, तो कैसा महसूस किया आपने? जो कुछ भी सीखा है इसको अपने जीवन में उतारो तो आप बहुत कुछ आगे जाओ। ऐसी शुभकामना लेकर आज के दिन को हम यही समाप्त करेंगे और अब आगे अपनी अपनी क्लास में लाइन से। धन्यवाद सरकार।